दुख की बात यही है। तो क्या इस बात को दर्शाया जाएगा इस फिल्म में? डेफिनेटली ये दर्शाया जाएगा, जब एक किन्नर पैदा होता है तो उसका घर वाला भी उसे अपनाता नहीं है, उनको छुपा के लेके जाया, कई बिरादरी ले जाती है और उनको पाल पोस के बड़ा करती है। सबसे दुख की बात यह है कि जब वो मरता है तो मैंने आज तक किन्नर की लाश नहीं देखी। मैं किन्नर की लाश देखना चाहती हूँ, जाए और उनके साथ भी हो, राम नाम सत्य है, उन्हें भी इज्जत मिले और उनको भी एक ग्रेवयार्ड, एक शमशान घाट उनके लिए भी हो, जो मुस्लिम है उनको दफनाया जाए, जो हिंदू है उसे जलाया जाए। प्लीज़, जो ईश्वर भेदभाव नहीं करता, इंसान को नहीं करना चाहिए, इतना पाप करता है इंसान, ये पाप मत करो। यही मेरा इस फिल्म में, उपेक्षा फिल्म में यही मेरा मैसेज है दुनिया वालों को। इस फिल्म में दिखाया जाए कि वो कैसे आता है किसी को पता नहीं चलता, कैसे जाता है वो भी पता नहीं चलता, लेकिन बस उस किन्नर पे सिर्फ दुनिया हंसती रहती है, उन्हें इस्तेमाल करती रहती है। उसकी जर्नी, अगर उसे अच्छा एजुकेशन मिले तो वो भी, क्या आज तक आपने सुना है कि कोई किन्नर नेता बना हो? क्या कुछ सुना है आपने? नहीं सुना। क्या हमारे समाज में और कितने साल लगेंगे ब्रॉड माइंडेड बनने के लिए, और कितने? और उन्हें हिजड़े का नाम दिया जाता, क्यों? मेरी नज़र में वो हिजड़े नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मेरी नज़र में वो हिजड़े वो हैं जो बॉम्ब बनाते हैं, जो आतंकवाद करते हैं। मेरी नज़र में हिजड़े वो हैं जो किन्नरों पे हंसते हैं। मेरी नज़र में हिजड़े वो हैं जो बलात्कार करते हैं, वो हिजड़े हैं, ये नहीं है। ये अच्छे इंसान हैं और ये मेहनत करके, आपने देखा एक लड़की ने डांस किया, वो किन्नर है। कौन, क्या कमी है उसमें? कितनी खूबसूरत है, क्या डांस है, यू नो। तो मैं इसीलिए ये चैलेंज लेना चाहती हूँ कि हम, मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बीच में आते तो डजंट मैटर। ऐसे भी बहुत सारे लोग तो पुरुष होकर भी हिजड़े होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है, मैंने ऐसी बहुत सारी मर्डर टू जैसी फिल्म देखी है कि वो किन्नर का रोल किया लेकिन वो बहुत गलत दिखाया। किन्नर तो वैसे होते ही नहीं, हाथ में तलवार लेके चिमटा लेके लोगों को मारना, ऐसे नहीं होते। वो बहुत गलत दर्शाया है, उनका असली पहलू, रियल पहलू तो दिखाया ही नहीं कि ममता से भरे होते हैं। सिर्फ ये कुछ नहीं चाहते, हीरे जवाहरात पैसे नहीं चाहते, अपना हक चाहते हैं गवर्नमेंट से और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और समाज में इज्जत चाहते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहते। थैंक यू सो मच। मेरे लुक पर डेफिनेटली मैं इन्हीं की तरह अलग, दो चोटी होगी, सलवार कमीज होगा, थोड़ा लाउड मेकअप होगा, जिस तरह से करते हैं होता है वो तो ड्रेस डिज़ाइनर और डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि मेरा लुक क्या होगा। डेफिनेटली द फर्स्ट डे शूट होगा मेरा किन्नर का उपेक्षा फिल्म में, तो मैं आपको फोटो ज़रूर भिजवाऊंगी कि मेरा लुक क्या होगा। राखी, जब आखिरी सवाल, पर्दे पर आते हैं कुछ सरप्राइज होता है, इसमें क्या सरप्राइज? इस फिल्म में जब भी राखी पर्दे पर आती है कुछ सरप्राइज होता है, तो इसमें सरप्राइज यही है कि मैं किन्नर का रोल प्ले कर रही हूँ। क्या मैं कर पाऊँगी, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, पर मेरे दिल में इच्छा है कि मैं करूं और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगी इस रोल। देखिए, मुझसे बड़ा फैन शाहरुख खान का कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने शाहरुख खान के साथ मेरी फिल्म की है, मैं हूँ ना। तो शाहरुख खान ने मेरा ऑडिशन लिया था और शाहरुख खान की डिस्कवरी राखी सावंत है, मतलब राखी सावंत किसकी डिस्कवरी है? शाहरुख खान की। सबसे बड़ी फैन तो मैं हूँ। शाहरुख जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं है, शाहरुख जैसा देवता इस दुनिया में नहीं है। शाहरुख हर फीमेल को प्यार करता है, हर किसी को प्यार करता है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है जनता से कि प्लीज़ थिएटर में जाइए, शाहरुख की फिल्म फ़ैन देखिए। मैं राखी सावंत शाहरुख की नंबर 1 फ़ैन हूँ।